हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 1.4। जैसे कि आपको पता है कि जब भी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ उससे पहले बेसिक प्लस एक्सरसाइज दोनों साथ में लेता हूँ ताकि एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है 1.4, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन बेसिक है, ओनली वन थ्योरम्स है और उस थ्योरम के बेस पे टोटल 7 क्वेश्चन है। आई थिंक टोटल 7 क्वेश्चन है, तो एक थ्योरम आपको करना है और 7 क्वेश्चन सॉल्व करना। फिलहाल मैं आपको थ्योरम नहीं कराऊंगा, स्टेटमेंट पढ़ के सिर्फ थ्योरम कैसा वो बता दूंगा। मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक चैप्टर फिनिश होगा उसके सारे थ्योरम एक साथ करने वाले हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरम्स का वीडियो लेके आएंगे। ओके, उसमें आपको जितने भी चैप्टर नंबर 1 में थ्योरम्स है सब आपको साथ में मिल जाएंगे, तो आपको उसके लिए कोई भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए थ्योरम्स का नाम क्या है, थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब क्या रहेगा, आपको दो ट्रायंगल दिया है और दोनों क्या रहेगा, सिमिलर गिवन रहेगा। ओके, मीन्स क्या रहेगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, ये हमको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ओके, ये गिवन है तो इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा वो हमको पूछा है। तो देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो बोथ ट्रायंगल्स आर क्या है, हमने सिमिलर का साइन दे चुके हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू दी। हाँ, क्या बोल रहा है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, इनके जो साइड से ए बी का स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में एक्स जेड का स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। बस यही चीज याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों का रेशियो ए बी का स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर अपॉन में वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में एक्स जेड का स्क्वायर, ये आपने ऑलरेडी जब भी हम जब दो ट्रायंगल सिमिलर करते तो उनके रेशियो में क्या होता था, स्क्वायर नहीं रहता था, बट यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर ऑलरेडी दिया रहता है, गिवन रहेगा, देन बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ रेशियोज, तो इस तरीके से उसको फाइंड करना है। बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए। ओके, तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे पता है आपको, इसका वैल्यू देगा, इसका वैल्यू गिवन रहेगा, इसका गिवन रहेगा, इसका पूछेगा, या तो इन दोनों का गिवन रहेगा, इसका गिवन रहेगा, इसका पूछेगा, कुछ इस तरीके से ऐसा क्वेश्चंस फॉर्म होते। ओके, तो ये छोटा सा बेसिक था, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते। ओके, आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज। ओके, क्या बोला है कि दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, सपोज ये मान लेते हैं मैं, और इनके साइड्स का रेशियो दिया 3:5, देन फाइंड द एरिया ऑफ देयर रेशियो। ओके, एरिया का रेशियो फाइंड करने बोला है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, लेट एस वन एंड एस टू बी द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल। ओके, एंड ए वन एंड ए टू बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ओके, हमने लिख लिया है, सपोज कर लिया है कि एस वन एस टू क्या है, साइड से, एंड ए वन ए टू क्या है, एरिया से। ओके, तो एस वन एस टू इज इक्वल टू कितना दिया हमको, 3:5 गिवन है, यानी कि एस वन अपॉन में एस टू इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। ओके, ये हमने S1 अपॉन में S2 का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब ट्रायंगल्स क्या है, देयरफॉर बोथ
ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो हमने अभी एक थ्योरम सीखा था, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, यही बोला ना, देख लीजिए हमको क्वेश्चन में बोल के दिया है, क्या बोला है, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऐसे। हाँ, देयरफॉर थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये रहता है, तो क्या होता है आपको पता ही है कि ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू एस वन का स्क्वायर अपॉन में एस टू का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस वन अपॉन में एस टू पूरे का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि क्या है, स्क्वायर है ना, तो मैं दोनों का स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ। अभी एस वन अपॉन में एस टू का वैल्यू कितना है, थ्री अपॉन में फाइव पूरे का होल स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया, देख लीजिए, एरिया वन अपॉन में एरिया टू इज इक्वल टू आ गया है नाइन अपॉन में फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। ओके, तो रेशियो पूछा ना, तो ए वन इज टू ए टू इज इक्वल टू नाइन इज टू ट्वेंटी फाइव, दिस इज आवर फाइनल आंसर। लास्ट में आपको लिखना है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज, हाँ ऐसे लिखना, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज नाइन इज टू ट्वेंटी फाइव, ये है आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है, ओके, सिंपल सा काम है। थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि एरिया का रेशियो, एरिया वन अपॉन में एरिया टू दोनों का रेशियो निकाले, इनके साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होता है। ओके, ये हमने ले लिया, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड एकदम सेम है, कट टू कट। हाँ, ये क्या है, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर एंड ए बी इज टू पी क्यू का वैल्यू दिया है कितना, टू इज टू थ्री, ए बी इज टू पी क्यू का वैल्यू कितना दिया, टू इज टू थ्री, देन फिल द ब्लैंक्स, या तो एक्टिविटी सॉल्व कीजिए। ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ सिमिलर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे देखिए, ये ए बी लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पी क्यू हो जाएगा का स्क्वायर। ओके, अभी ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना दिया, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन। ये आ गया इसका आंसर खत्म, यानी इसका वैल्यू कितना आया, फोर इज टू नाइन। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। ओके, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एटी दिया है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर एटी दिया है, देन फिल द बॉक्सेस बोला है। सेम देख लीजिए, लिख दिया है, आपको पता है यहाँ से हमको क्या चाहिए, साइड्स इनका वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं एक स्टेप लिखता हूँ, इसके स्टेप लिखता हूँ, ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एटी अपॉन में 125। अब इसको कट करते हैं, फाइव से कट करता हूँ, सिक्सटीन आता है, फाइव से कट के इसको कितना आता है, 25, यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन में 25। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 25 5 का, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट लिखना है 4 अपॉन में 5। ओके, मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया कि किस तरीके से आएगा, लेकिन अगर जो आपके फील्ड एक्टिविटी आता है तो आप इसको डायरेक्ट लिखते तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आप सॉल्व करके जहाँ पे एक्टिविटी है, जहाँ पे बॉक्सेस है, वहाँ पे ही बॉक्सेस लगाना। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सॉल्व हो गया। ओके, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव सेम एज इट इज, एक ही पैटर्न में सॉल्व करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर फोर में आपका बोला है ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, इफ क्यू आर इज इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन, यहाँ पे देखिए है ट्रायंगल एलिमेंट क्या है, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट, इफ क्यू आर इज इक्वल टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन। ओके, अभी देखिए डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करूँ, ये अपने को दिया है, ये इसको इधर करना, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है, एम एन इज इक्वल टू फाइंड करना है, ये हमको क्या है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है, ये दिया है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना पता आपको, इसको इधर ले लेते हैं, 16 को इधर ले लेते हैं, हाँ यहाँ पर जाएगा 9 के अपॉन में 16, क्यों, ये 16 इंटू इधर तो डिविजन हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन में, ये इधर इंटू तो इधर आया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है,
अब थोड़ा सा मैं इसको देखिए, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल MN का वैल्यू ये हो गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू ये हो गया है। अब क्या करना है हमको, क्या वैल्यू निकालना है ये ना, तो ये 9/16 इज इक्वल टू, ऊपर क्या है MN का स्क्वायर हो जाएगा, एम एन का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। तो 9/16 इज इक्वल टू MN का स्क्वायर, क्यू आर का जगह क्या हमारे पास वैल्यू है 20 का स्क्वायर। ओके 20 का स्क्वायर। अब एक काम करता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको भी इन दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखा था। हाँ, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। ओके 3/4 इनका स्क्वायर ये हो जाएगा इज इक्वल टू MN/20 इनका स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके अब क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये उस स्क्वायर का जगह गायब हो जाएगा, यानी कि MN/20 इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, यानी कि 4 into MN इज इक्वल टू 3 into 20, ये इंटू इधर तो डिवीजन हो जाएगा, तो MN इज इक्वल टू 3 into 20/4, 4 5 20, तो यहाँ पे क्या जाएगा MN इज इक्वल टू 3 into 5, MN इज इक्वल टू 5 3 50, ये आ गया है आपका आंसर। इस तरीके से करना है, क्या रहना क्या ध्यान से देखिए, यहाँ से हमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया, दोनों एरिया का रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया। ओके हमने क्या किया, दोनों एरिया का रेशियो निकाला है। कैसे देखिए, ये सेक्शन क्या है इनटू मीटर तो डिवीजन में जाएगा, ये इनटू मीटर तो डिवीजन में होगा। ओके फिर ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना लिख दीजिए, हमने थियरम यूज किया ना, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हमने थ्योरम यूज किया है। तो यहाँ पे LM का स्क्वायर अपॉन में PQ का, अच्छा ये MN का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर हो गया है। अभी क्या क्या इन दोनों का स्क्वायर देखे, ये जो QR QR का वैल्यू हमको गिवन है, यहाँ से हमने यहाँ पे ले लिया 20 का स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया, देखो यहाँ दोनों स्क्वायर के फॉर्म में, इसको भी हमने क्या किया स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस दोनों का टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे ना, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हम इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके ये हमारा आ गया आंसर, MN का वैल्यू 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द साइड्स ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, स्मॉलर ट्रायंगल 12 दिया है, देन द फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। ओके बिगर ट्रायंगल का हमको क्या पूछा है, साइड पूछा है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं A1 and S1, ओके हाँ A1 and S1 बी द एरिया एंड साइड्स ऑफ क्या पूछा है, बिगर पूछा है कि स्मॉलर पूछा है, साइड्स ऑफ द बिगर ट्रायंगल, तो हमने इसको पहले बिगर सपोज कर लेते हैं, ऑफ बिगर ट्रायंगल। ओके एंड A2 and S2 बी द एरिया एंड साइड्स ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। ओके ये हो गया है। अभी एरिया वन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है देखिए, क्वेश्चन हमको बोल के दिया है एरिया ऑफ ए स्मॉलर ट्रायंगल इज 225, स्मॉलर ट्रायंगल का वैल्यू दिया 225, रुको एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 225 and 81 दिया है, 225 and 81 और दिया है इसका साइड दिया 12, साइड किसका दिया है स्मॉलर, देखिए इफ दिस साइड ऑफ ए स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा हमारा S2 है, S2 का वैल्यू दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पे लिखता हूँ A1 हमारा क्या है बिगर है ना, तो बिगर का 225 हो जाएगा, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर A2 स्मॉलर है, ओके A2 स्मॉलर है ना, हाँ तो A2 का वैल्यू कितना दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया है।
एंड एस वन हमको क्या करना है, फाइंड करना है एस टू का वैल्यू कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। सब चीज गिवन हमने लिख लिया है। अब लगाते हैं थ्योरम, लिखते पहले द गिवन ट्रायंगल आर सिमिलर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एकदम सेम इसके जैसे ही है या सिमिलर ट्रायंगल। हाँ, यहां पर जाएगा ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू। अच्छा एस वन लिए ना हम लोग, बी क्यों ले रहे हैं, एस वन अपॉन में एस टू, फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेकंड वाले का स्क्वायर। ओके, अभी ए वन का वैल्यू कितना दिया है, टू टू फाइव अपॉन में 81। ओके हाँ, रुको 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 रुको, वापस से एस वन क्या है, एरिया ऑफ अ बिगर, और एस टू भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा, एस वन का वैल्यू नहीं, एस वन का वैल्यू फाइंड करना है, और एस टू का वैल्यू कितना दिया है, एस टू का वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर। ओके, हम को क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्म में लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर अपॉन में 81, 9 का स्क्वायर है इज इक्वल टू एस वन का स्क्वायर अपॉन में 12 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत सारे ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा 15 अपॉन में 9 इज इक्वल टू एस वन अपॉन में 12। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एस वन इंटू 9 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 12, तो इंटू मिल जाएगा तो डिवीजन में, तो एस वन इज इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन में 9। अब इसको कट करते हैं, 3 जा 9, 3 4 जा 12, ओके, फिर 3 5 जा 15, कितना आ रहा है, एस वन इज इक्वल टू 5 इंटू 4, एस वन इक्वल टू 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। अब लास्ट में हमको लिखना है, ओके, क्या लिखना है, देयरफॉर साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देना है, देख लीजिए, बस क्या करना है आपको, बस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और ये थ्योरम यूज करना, वहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करना। बस देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम एज इट इज एक जैसे ही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व हो गया, आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2 एंड ए बी इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं, ओके, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। नेमिंग करते हैं ए बी सी डी ई एफ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये 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 ऑल थ्री एंगल्स आर सेम, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलेटरल ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ओके, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये हो गया है, अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल ए कॉन्करेंट है एंगल डी के, एंगल बी कॉन्करेंट है एंगल ई के, ईच 60 डिग्री। ओके, ये हो गया है, तो क्या देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के।
यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ओके, कहाँ से, ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, यहाँ पे ना हमको डायरेक्ट बोल के नहीं दे कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो हमने क्या किया है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हमने प्रूफ किया है। अगर डायरेक्ट बोल के देता था तो हम लोग इतना काम नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल के नहीं दिया, लेकिन ठीक है ना, इजी है ना। बोल तो दिया ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, तो प्रूफ करने के लिए भी टेंशन है। इन दोनों को कॉन्टेंट ले लो, इन दोनों कॉन्टेंट ले लो, इन दोनों कॉन्टेंट ले लो। ओके, जो इच्छा कोई भी दो एंगल को कॉन्टेंट ले लो। आगे आंसर अब यहाँ पे लिखना है थ्योरम, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर। अब इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो दिया है 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना दिया है 4 का स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर। 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में डी का स्क्वायर। अब करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जाएगा डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 16। ओके, अभी डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा 16 टू 32। अब स्क्वायर टू ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 32। तो डी ई इज इक्वल टू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 16 टू जा 32, तो डी ई इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर है 4 का अंडर रूट में 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है, उसके बाद थ्योरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हमने लगा दिया है और हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका एक्टिविटी के फॉर्म में है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सेगमेंट इन ट्रायंगल डी ई एफ, हाँ इन ट्रायंगल डी ई एफ सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है सेगमेंट डी ई, ये जो पी क्यू है और डी दोनों क्या है, बोथ आर पैरेलल्स है। एंड देन दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एफ, हाँ देख लीजिए कौन सा है पी क्यू एफ, ये दिख रहा है ना, इसका वैल्यू दिया है 20 स्क्वायर, हाँ यूनिट स्क्वायर, 20 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है। एंड पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी पी, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर डी पी क्यू फाइंड करना है, ये दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, हाँ ये हमको ये वाला पार्ट चाहिए और ये छोटा वाला पार्ट दिया है। अगर किसी भी तरीके से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल का मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ, ओके उसमें से छोटा वाला माइनस करो तो मुझे यही वाला पार्ट बचेगा ना। अगर बड़े वाले ट्रायंगल में से ये वाला पार्ट मैं माइनस हटा देता हूँ तो मुझे यही क्वाड्रिलेटर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ये छोटे वाले ट्रायंगल का वैल्यू दिया है, हमको बड़े वाले ट्रायंगल का वैल्यू फाइंड करना है। फिर क्या करेंगे, बड़े वाले में से इस ट्रायंगल को माइनस करें तो मुझे ये क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल जाएगा। ओके, उसके लिए एक्टिविटी फिल करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज्यूम दिया है हमको डी पी इज इक्वल टू एक्स, ओके, और पी एफ इज इक्वल टू है 2x, तो डी एफ इज इक्वल टू डी पी, हाँ डी एफ इज इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ हो जाएगा पी एफ। ओके, अब डी पी का वैल्यू कितना है, डी पी का वैल्यू x है, पी एफ का वैल्यू कितना है 2x है, तो कितना जाएगा 3x, ये काम तो हो गया। अब इन ट्रायंगल एफ डी ई, एफ डी ई बड़ा वाला सेकेंड है एफ पी क्यू, ओके, तो देखिए एंगल क्या था, पहला एफ डी ई, एफ डी ई, सेकेंड क्या हो जाएगा एफ पी क्यू, एंगल एफ पी क्यू, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, ये क्या है इसका ट्रांसवर्सल, तो ये कह देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएंगे एफ ई डी, एफ ई डी, तो एफ क्यू पी, एंगल एफ क्यू पी, यहाँ पे भी सेम करस्पॉन्डिंग साइड, ये हो गया। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय द ए ए टेस्ट से, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो
थियरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थियरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, किसने इसका वैल्यू दिया है, डी एफ, डी एफ का स्क्वायर अपॉन में किसका, पी एफ का स्क्वायर। देखिए ये डी एफ दिख रहा है, ये डी एफ और ये पी एफ उल्टा है नाम चलेगा, इनका स्क्वायर फिर दोनों का वैल्यू रखा है, इसका 3x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2x का स्क्वायर, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ओके अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9 अपॉन में 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ से देखिए ये 4 यहाँ जाएगा, ये ऐसा कर सकते हो, या तो डायरेक्ट इसको क्या करो, यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे डिवीजन इधर आया तो इनटू में आ जाए, तो ये आ गया इनटू में। अभी इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया है, गिवन कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 20 यूनिट्स दिया है, 20, तो 4 फाइव जा 20, 9 फाइव जा 45 स्क्वायर यूनिट, कितना आ रहा है आपका, 45 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ये दिख रहा है ना, डी पी क्यू ई, ओके ये कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, बड़े वाले पार्ट में से छोटा वाला माइनस करो तो मुझे ये मिल जाएगा, तो इसका दिया है 45, इसका दिया है 20, तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से करना है, आ गया है आपका आंसर, इस तरीके से बॉक्सेस फिल करना है। अगर देखिए तो बॉक्सेस फॉर्म में था तो मैंने इस तरीके से फिल किया, अगर बॉक्सेस नहीं होता तो जो एक दो स्टेप यहाँ पे गायब है, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था मेरे को, ऐसा इस तरीके से लिख देता मैं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिखने के बाद ही ये क्या होगा, ये फॉर्म आएगा। ओके और यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे हमने क्या डायरेक्ट देखो यहाँ पे क्या क्या है, इसको यहाँ पे लेके चले जाओ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लेके जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लेके चले गया, क्योंकि इधर डिवीजन तो इंटू हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या किया है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का वैल्यू निकाल लिया है, बड़े वाले में से छोटे वाले 20 यूनिट्स को माइनस करो तो मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से करना है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आज हमारा जो एक्सरसाइज है 1.4 वो भी क्या हो गया, फिनिश हो गया है। ओके तो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर्स के थ्योरम। ओके जितने भी थ्योरम से सभी के सभी थ्योरम को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँ। ओके तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ओके थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।